मेरे साथ बैड सीन हुआ है कि जो राइडर हैं वो निकल चुके हैं और लास्ट मुझे बिलाल ने जो लोकेशन बताई है वो हाँ जी कैसे सुनाए? ठीक है ज़बरदस्त। मैंने कहा रात में ही आते काम बहुत था लेकिन मैं फिर टाइम मिला तो मैं निकल आया इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज का अचानक से प्लान बना है मेरा, अचानक से प्लान तो नहीं बना लेकिन कंफर्म मैंने आज ही इसको किया था। एक ग्रुप राइड का प्लान है। आज है जी कश्मीर डे, 5th ऑफ फेब, योमे यकजहती है कश्मीर। ये हम मनाते हैं अपने कश्मीरी भाई हैं, हमारे जो बहने हैं उनके साथ इजारे यकजहती करने के लिए। तो यहाँ पर इस्लामाबाद का जी एक मोटरसाइकिल का मोटर बाइक्स का एक क्लब है इस्लामाबाद राइडर्स के नाम से, उनके साथ राइड का प्लान है। जो टाइम था वो था 4 बजे का, अभी तो 5 बजे हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं पहुँच जाऊँगा, नहीं पहुँचा तो मुझे अकेले ही उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, मुझे पता भी नहीं वो कहाँ पर जा रहे हैं। तो एक सरप्राइज़ देंगे आपको चल के। आज मैंने फुल तैयारी की है, हालांकि इतना सामान चाहिए नहीं था, दोनों मैंने सैडल बैग भी लगा लिए हैं, टैंक बैग भी लगाया हुआ है और ज़्यादा सामान रखा नहीं है उसके अंदर। लेकिन एक जो बाइक आपको बैलेंस लगता है दोनों सैडल बैग के साथ, इंस्टेंट कि आप एक ही लगाएँ। तो ज़रा मैं कहीं पर अगर रुका तो मैं आपको दिखाऊँगा शॉर्ट भी इसका। कंट्रोल उदय, कंट्रोल हाईवे है, 100 की स्पीड पे जा रहा है, क्या चाहता है। यार आज मैं एक्साइटेड बहुत हूँ, काफ़ी सारे वहाँ पे बाइकर आए होंगे जिनमें बिलाल भाई मेरे पुराने जाने वाले हैं, एक भाई और हैं फैसल भाई जिनको मैं ऑनलाइन ही जानता हूँ व्हाट्सएप के थ्रू, और बाकी जो बाइकर हैं काफ़ी मैंने उनकी पिक्चर्स वगैरह देखी हैं, तो डिफरेंट वैरायटी है उनके पास बाइक्स की। तो उम्मीद है अगर मैं आज पहुँच गया तो मैं आपको सबके बाइक दिखाऊंगा भी, और जो जो हमें बाइक पसंद आया उनके हम आपको शॉर्ट से दिखाएंगे, ऑनर का फीडबैक रिव्यू दिखाएंगे उनका। मुझे जो बाइक पसंद है वो है फैसल भाई का GS, उन्हें नहायत ही कमाल इसको मॉडिफाई किया, वो आपको चल के दिखाएंगे आज इंशाल्लाह। टैंक बैग और काफ़ी हैवी हैवी लुक आ रही है बाइक की, मेरे सामान ही है इतना फिर भी। सो फाइनली मेरे साथ बैड सीन हुआ है कि जो राइडर हैं वो निकल चुके हैं और लास्ट मुझे बिलाल ने जो लोकेशन बताई है वो शाहौला दिता की बताई है, वहाँ से कोई ट्रेल जाती है वहाँ पे हम जा रहे हैं जी, आज रात को वहाँ पे स्टे है और चल के सीन दिखाते हैं फिर आपको भी। मैं रह गया पीछे, चलें कोशिश करते हैं, जा रहे हैं इंशाल्लाह दत्ता की तरफ। और फिर अभी तो वैसे टेंशन हो रही है, पीछे रह गया हूँ, इंटरनेट ना आता हुआ तो कैसे पहुँचूँगा। है जी बिल्कुल मार्गला हिल्स मेरे सामने, क्या कमाल का यार व्यू आ रहा है, धुंध है थोड़ी थोड़ी, रात को ठंड बड़ी होगी। तैयारी तो करके आए हैं, देखते हैं क्या बनता हमारा। आला स्पीडोमीटर के ऊपर भी ज़रा ध्यान मारना पड़ेगा, 100+ कि ये हैं जी मनाजर, पथीले पहाड़ मेरे दोनों तरफ, और यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं जी। नीचे है जिप लाइन, अगर ऑलरेडी किसी ने देखी हो, नहीं देखी तो मैं फ्यूचर में आपको दिखा दूँगा, एक मेरा व्लॉग आएगा वहाँ का।
भाई साहब, मैंने आज जो है ना माउंट चेंज किया था, पहले बार मेरा माउंट टूट गया था तो मैं इसका एंगल नहीं देख सका था, किस क्या इसमें एंगल आ रहा है ना, जो मेरा अभी व्यू आ रहा है इसके अंदर कैमरा के अंदर, वो नहीं मैं चेक कर सका। मैं यार बहुत काम थे। यार बड़े ज़बरदस्त लोगों ने बाइक बनाए हुए हैं, दिल खुश हो गया देख के। आपने भी मतलब ठीक काम किया, बिल्कुल स्टॉक जिस की हालत में बाइक आता है वो रखने का फ़ायदा नहीं होता। चेक करें ज़रा शशके, किधर लगाए हैं? और जी, हाँ जी कैसे सुनाए? ठीक है, जबरदस्त। मैंने कहा रात भी नहीं आते, काम बहुत था, लेकिन मैं फिर टाइम मिला तो मैं निकल आया इस वजह से। तो दोस्तों आज कैसे भाई ने बिल्कुल सही टाइम बताया, हम 20 मिनट में ऊपर पहुंचे, बहुत जगह और परफेक्ट टाइम पे ऊपर पहुंच गए। अभी पहुंच गया जी कैंपिंग साइट के ऊपर, यहाँ पे लगाते हैं कैंप और सीन दिखाते हैं आपको। फाइनली डिनर हम कर चुके हैं, यहाँ पे हमने खाया है चावल और अभी बॉनफायर का सीन स्टार्ट है, साथ यहाँ पे हमारे चल रहा है बैकग्राउंड म्यूज़िक और आपको सीन्स यहाँ पे जाके दिखाते हैं आज के यहाँ पे क्या सीन्स आए, क्या हमारी एक्टिविटी यहाँ पे रहेगी कैंपिंग के ऊपर। कुछ नहीं हो सकता है, शॉर्ट आए ही ना। अच्छा जी कैंप के अंदर सीन को इस तरह से है, यहाँ पे चल रही है चाय और ये है जी अंडे चल रहे हैं, सिर्फ अखरोट चल रहे हैं और बाहर चल रहा है जी बॉनफायर। फाइनली आज का दिन जो हमारा था यहाँ पे कैंपिंग के ऊपर काफ़ी बेहतरीन रहा, यहाँ पे हमने डिनर किया, उसके बाद यहाँ पे अभी हमने आपको जो लास्ट सीन दिखाया वो था बॉनफायर का, बाहर लोग बैठे हैं इंजॉय कर रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं कैंप के अंदर और बाकी के जो सीन्स हैं कल के आपको मॉर्निंग के अंदर दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मैं आपसे मिलते हैं कल के दिन। यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट अभी कर लिया है और ये जो लोकेशन है ये शाला दत्ता से तकरीबन 4 किलोमीटर ऊपर आते हैं ट्रेल को फॉलो करते हुए, यहाँ पे हमने स्टे किया है, मेरे पेपर देख लें, यहाँ पे जी प्रेस्टाइन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हमने की थी कैंपिंग और कैंपिंग का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था अच्छा रहा हमारा, इतना अच्छा नहीं था इससे पहले, लास्ट वाला जो मैंने कैंप किया था वो काफ़ी मेरा बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा था, वो आपने व्लॉग नहीं चेक किया था वो चेक कीजिएगा, वो तो मोनाल से ऊपर करके वहाँ पर था मसा विलेज के अंदर, तो सम हाउ
ये थोड़ी सी लोकेशन डिफरेंट थी, लेकिन ओवरऑल हमने इसको एंजॉय किया। मेरे साथ थे मेरे तीन और बड़े अच्छे कोलीग बाइकर भाई, तो उनके साथ काफ़ी हमारा अच्छा यहाँ पे टाइम रहा। और अभी जी करते हैं हम वापसी की राइड स्टार्ट, और उससे पहले आपको ज़रा जगह दिखाते हैं यहाँ पे जगह कैसी जगह बनी है और यहाँ पे क्या क्या आपको फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉशरूम की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, पानी का थोड़ा सा इशू है, ठंडा पानी आपको मिलेगा अगर आप समर में आते हैं तो बेहतर है। इसके अलावा रेस्टोरेंट बने हैं, मेरे उस तरफ है सामने रेस्टोरेंट बना हुआ है यहाँ पे बैठने की जगह, और कुछ बैठने की जो जगह है उस तरफ है मेरे नीचे, यहाँ पे कुछ लगे हैं झूले, अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो भी एक अच्छा पॉइंट है। सो फाइनली हमारी जो राइड है वापसी की वो स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पे सब जो बाइकर हैं हमारे भाई तकरीबन 40 के करीब बाइकर हैं जा रहे हैं हम एक फॉर्मेशन के अंदर, और निकले थे हम योमे यकजहती है कश्मीर के ऊपर, यहाँ पे की हमने कैंपिंग जो सीन्स आपने पीछे देख लिए होंगे, ओवरऑल ठीक ही एक्सपीरियंस था। अच्छा जी, मेरे साथ हैं बिलाल, इंटरकॉम डिवाइस के ऊपर कनेक्टेड हैं। बिलाल भाई कैसा रहा यार एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे जो ग्रुप राइड पे हम निकले हैं आज? अच्छा हाँ, ग्रुप काफ़ी बड़ा है, तकरीबन 40 एक लोग हैं हम। जी छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं ना बीच में। जी एक सेफ डिस्टेंस होना चाहिए। अभी ये देखें वो सामने बिलाल भाई जा रहे हैं जिनके पीछे झंडा लगा हुआ है कश्मीर डे का, ये वैध बाइकर हैं जो लगा के लाए हैं। यहीं से पता चलता है भाई जिस पर्पज़ के लिए निकले हैं एटलीस्ट उसकी थोड़ी सी तैयारी करके निकले हैं। अभी बिलाल मुझसे आगे है, तीन नंबर के ऊपर है, दो बाइक मेरे आगे हैं। अब मैं भी डेकोरम का ख्याल करते हुए मैं भी लाइन में चल रहा हूँ ताकि इनको ओवरटेक ना करूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ये ऑफ रोड का पैच है और यहाँ पे ऑफ रोड के ऊपर ओवरटेक करना नहायत रिस्की हो सकता है। ये जो आगे जो सेक्टर आ रहा है ये है E11 मेरे राइट हैंड साइड के ऊपर, और सब लोगों को पता ही है कि ये एक एलीट क्लास का बना हुआ है सेक्टर जहाँ पे लोग ज़रा, मैं डिटेल में नहीं जाता, बाकी आप समझदार हैं आई गेस। ये गए जी पहले भाई, दूसरे भाई इदरीस भाई, अब जा रहे हैं जी बिलाल, बिलाल भाई की तैयारी चेक करें। ये गया जी बिलाल, कश्मीर का फ्लैग लगा हुआ है और सामान चेक करें, हमेशा से बिलाल जो है ना सही तैयार होकर निकलते हैं। बिलाल की यार राइड है, छोटा ग्रुप हुआ आई गेस बना ज़रा इंजॉय करता है, बड़े ग्रुप के अंदर आप ये है कि ज़रा उनके पेस को फॉलो करना पड़ता है चाहे वो स्लो हैं या फास्ट हैं, तो आप तीन से चार बंदों का ग्रुप हैं तो ज़्यादा एंजॉय करते हैं। ठीक है जी बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया यार, राइड तो मेरी अच्छी रही, मेरी ट्वेंटी का स्पीड हो रही है, ठीक है चलो ठीक है दीप भाई, इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर कभी मुलाकात होगी आपसे, चलिए ठीक है ठीक है, मेरी बुकिंग भी कर दी ओके, चलिए। बहुत ही कमाल का वेदर है जी, बिलाल को भी हमने सी ऑफ कर दी है। अभी मैं जा रहा हूँ जी हाईवे के ऊपर आगे गुलबर्ग की तरफ, आज का जो वेदर है नहायत ही कमाल है, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा राइड का वो भी बेहतरीन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मेरा आज का व्लॉग है ये अच्छा लगा होगा, और हमेशा की तरह मैं आपसे फिर से कहता हूँ मेरे चैनल को करें आप सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को कीजिएगा लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो मस्ट है। तो आपसे फिर मिलते हैं एक
नई जगह के ऊपर एक नई राइड के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।